official data says we have 10 million children in the workforce, but a lot of them remain invisible and unaccounted for. There's a lot of illegal mining activity that's happening where you find children engaged and they never get counted. Lives of children are not black and white. There are shades of grey which the law does not account for. In my 30 years of experience of working with children and on child rights, I've realized that the law is not the answer. बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा कर ले। किस्मत का खेल है, जहाँ पे करो किस्मत होगी तो वहीं पे मिल जाएगा, और किस्मत में नहीं होगा तो चाहे जिंदगी भर करो नहीं मिलेगा। बहुत चमकीला होता है और बहुत चिकना भी होता है, चमक भी होती है और नहीं भी होती है, बस वो स्लिप करता है, उसी से पहचान मिलती है कि ये हीरा है। जब सब लोग आते हैं तो हमको भी आना, सबका भरोसा है यहाँ हीरा मिल रही है, खर्च पानी के लिए पैसे कम है, इसलिए अगर हीरा मिल जाएगा तो आगे पढ़ाई भी और कर सकते हैं। जिस माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लगाएंगे। अबे हमें मिलो नहीं है, हमने तो देखो नहीं है कि कैसो रहा थे। वास को बूंदा साई कहा थी, बताओ थे कैसो रहा थे वास को बूंदा साई। जिन वास पड़ती है ठंडियन में वसी बताती के वास को बूंदा साई रहा। लड़के नहीं है कब, मोरी मोरी सात जानी है, तीन की हमने शादी कर ली है, चार रह गई हैं, सो दो जे संगे ले पाए हैं, दो घर पे हैं। यही खिलाने नदी में डरे हैं कि कुछ ककरा मिल जाए हमें, तो कुछ बेच भांज के उनकी शादी शुदा कर दें। बस वही एक एक बिगा है ही खेती हमारी, सो कही के नदियाई ढूंढ लीजिए, नदियाई साथ दे दे हमें। तो आज बिटियाँ कहती हैं अम्मा सूखी रोटी हैं हमें नहीं रहने, चलो घरे चल गए, सब्जी तरकारी नहीं है, तेल ताई नहीं है, तो चलो घर चल गए। अब ई के लाने डरे हैं कि मिल जा कुछ, तो कुछ खर्चा खोट बनेगा हमारो, कुछ नहीं मिला। कुछ भी काम करो तो उसको संग करना है, एक तो धूप रही है, एक तो कच्ची रही है, कहीं भी जाऊँ मेरे साथ पे जाना का उसको, कितल तुम मने करो वो ना मानेगा, अपने मन से नहाया कपड़ा पहरा खाना खाया चल भाई मैं भी जाऊँगा, साथ में मचाएगा खोदेगा फिर बगराएगा उसी तरह धोएगा फिर बीन के फिर घर जाएंगे। इसकी माहती जो इसको एक साल का छोड़ के निकल गई, ये तो बहन के पास रहेगा कि मेरे पास रहेगा, तो भगवान दे देगा तो मेरा ये पल जाएगा, ये तो फिर मंजूरी करूँगा मैं। सबसे बड़ा हम हैं, सब कमाई मेरा है घर में, हम नहीं कमाएंगे तो कोई खाएगा नहीं।
न मोटाएंगे न बढ़ेंगे, जैसे के तैसे रहेंगे। और क्या, गर्दा लगेगा, धूप लगेगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं। खान के पीछे मेरा घर है। दिन में 5 ब्लास्टिंग होते हैं। हमारे घर पे बड़ा सा पत्थर जाके गिरा, खपरेल का घर है मेरा, और जब उस पर गिरा पत्थर तो मेरा चारों तरफ से दीवार फट गया। ऐसा काम दिया है कि जब पापा ही ब्लास्टिंग करा रहे हैं तो हम लोग कैसे किसी से कुछ कहेंगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। There is lack of political will to implement this law. There is a tacit understanding that children will have to continue to work. We can't feed so many children. We can't look after them. We just can't have a rigid law which says rescue them, push them into institutions. That's not where the answer lies. इतना बड़ा पत्थर नहीं उठ रहा है, जो हमसे अकेले नहीं उठ रहा है। अगर वही उसी जगह दो आदमी आ जाए तो उठ जाता, तो एकता में शक्ति है ना। When children and youth are encouraged, supported, empowered, they can mobilize themselves and come together to bring a transformation. कोरोना महामारी में स्कूल इधर बंद हो गया था। उसके बंद होने के बाद जब खुला ना, तो हम लोग के क्षेत्र में नहीं खुला था मोहल्ला पाठशाला। संस्था के माध्यम से शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र दिए, तो मांग पत्र देने के बाद स्कूल खोल दिए। सो इफ वी कनेक्ट चिल्ड्रन टू स्कूल एंड आर एबल टू कीप देम इन स्कूल्स, दैट्स वेयर द आंसर लाइज। Advocacy is one of the most important tools for social change. We need to work with children and the youths. They have the power to influence adults, to influence policy makers, and see that change in policy as well as their life.